लोगों को समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी उसका नेटवर्क स्ट्रांग है, बाहुबल है, उनको कांग्रेस से जो लोग गए उन सबको टिकट देना पड़ा, बाहुबलियों को टिकट देना पड़ा, परिवारवाद वालों को टिकट देना पड़ा, सब कुछ। इस बार तो देखिए ना मोदी कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और पहली बार कमलम पर हजारों लोग उमड़े कि यानी जिनको टिकट दिया उसका विरोध करने के लिए, तो वो मीडिया को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ने तो सोशल मीडिया में अपनी सरकार बना ली है, मगर आम आदमी पार्टी में जो एग्रेशन है वो लोगों के गले अभी तक नहीं उतरता है। युवा पीढ़ी एग्रेसिव है उसके बारे में, आम आदमी पार्टी ये कहती है, मगर कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मेन फाइट जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही है। कि इस बार का गुजरात का विधानसभा चुनाव बेहद चौंकाने वाला परिणाम लेकर आने वाला है। सबसे बड़ी बात इस चुनाव में लोगों के बीच जो चर्चाएं हो रही है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में उस तरह का उत्साह नहीं है, बल्कि लोगों में एक तरह की नाराजगी है, गुस्सा है उनको लेकर। उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों में जब लोगों से मुलाकात होती है तो वो एक अलग अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आपको ये जानकर बेहद हैरत होगी कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा उस हिसाब से लोग नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से उनको लेकर लोगों में उत्साह भी नहीं है। बहुत सारे लोग निराशा भरे अंदाज में कहते हैं कि जीतेगी तो भाजपा को ही सरकार बनाना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हमने कांग्रेस को जिता भी दिया तब भी 6 महीने बाद बीजेपी की सरकार बन जाएगी, इसीलिए बीजेपी को वोट देना, कांग्रेस को या दूसरी पार्टियों को वोट देना ना देना बड़ा अजीब मामला है। आम आदमी पार्टी की भूमिका इस चुनाव में क्या है? लेकिन लोग बताते हैं कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लोगों के बीच में पहुंची है और हो सकता है कुछ सीटें भी वो हासिल कर ले, जो उसके लिए बड़ी कामयाबी होगी गुजरात में। लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी अगर जीत भी जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये चुनाव जीत भी जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि देश दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी तमाम तरह के संसाधन झोंक देने के बावजूद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरीके से जनसभाएं करना, रैलियां करना, रोड शो करना लोगों को दर्शाता, लोगों के बीच ये चर्चा हो रही है कि वो बेहद डरे हुए हैं। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव में, यानी उनके अपने राज्य गुजरात में ही जो चुनाव हो रहा है उसमें अगर इस तरह से डरे हुए हैं, तो ये बड़ा सवाल पैदा करता है कि पिछले 27 सालों से बीजेपी ने राज्य में क्या किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो राज्य में उनको लेकर इतना उत्साह क्यों नहीं है कि वो 2-4 बड़ी सभाएं कर लेते और राज्य के लोगों से अपील कर देते कि वो वोट दे भाजपा को और लोग मान जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कमजोरी को दर्शाता है। लेकिन सवाल ये है कि गुजरात चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी को इस बार किसी भी हालत में जीतना है, क्योंकि उसे 2024 में फिर से केंद्र में सरकार बनानी है, तो क्या बीजेपी ये चुनाव जीत जाएगी? कांग्रेस पार्टी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दमखम से ये चुनाव नहीं लड़ रही है। लेकिन यहाँ के लोगों से बात करने के बाद और बहुत सारे जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि कांग्रेस की ये पूरी रणनीति है वो उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। राहुल गांधी बहुत सक्रियता के साथ भले ही दिख नहीं रहे हैं, लेकिन इस चुनाव को बहुत बारीकी से वो हैंडल कर रहे हैं। राहुल गांधी की सभाएं उस हिसाब से नहीं हो पा रही है जिस हिसाब से भाजपा के दिग्गज नेता, जिस हिसाब से भाजपा ने पूरी फौज गुजरात में उतार दी अपने नेताओं के, लगभग सभी मुख्यमंत्री, तमाम राज्यों के बड़े बड़े नेता गुजरात में इस समय हैं, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर सोनिया गांधी नज़र नहीं आ रही है। तो कांग्रेस की रणनीति का ये एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है, और यही वजह है कि यहाँ के लोग इस बात को लेकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि हो सकता है राज्य में बहुत चौंकाने वाला नतीजा आए।